मुरादाबाद की एक 20 साल की लड़की जो कि नर्स होती है एक हॉस्पिटल में, शाम को 7 बजे अपने हॉस्पिटल में पहुंचती है अपनी ड्यूटी पर। ये हॉस्पिटल काशीपुरा रोड पर स्थित होता है और इसी हॉस्पिटल में नर्स की ड्यूटी होती है। जब नर्स अपने ड्यूटी पर पहुंचती है हॉस्पिटल में, वहाँ पर कुछ वक्त बिताती है और उसके दौरान एक दूसरी नर्स इस 20 साल की नर्स के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम्हें डॉक्टर शहनवाज ने बुलाया है, कुछ बातें करनी है तुमसे। तो ये 20 साल की नर्स शहनवाज के पास जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं जा रही हूँ शहनवाज के यहाँ। या फिर ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर शहनवाज के पास ये 20 साल की लड़की नहीं जाती है उनके बुलाने पर। फिर उसके बाद कुछ और वक्त बीतता है और उसके बाद 2 वार्ड बॉय आते हैं इस नर्स के पास, जिनका नाम है जुनैद और एक का नाम है मेहनाज। जुनैद और मेहनाज जबरदस्ती इस 20 साल की नर्स को धक्का देते हुए या फिर पकड़ करके जबरदस्ती उस डॉक्टर के केबिन में लेकर जाते हैं, और केबिन में ले जाने के बाद रूम में बंद कर दिया जाता है इस नर्स को। उसी रूम में डॉक्टर शहनवाज बैठे हुए होते हैं। दोनों वार्ड बॉय जुनैद और मेहनाज ये दोनों नर्स को उस कमरे में बंद करके और बाहर से हट जाते हैं। अब उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शहनवाज और वो नर्स हैं। याद रहे, ये जितनी भी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी घटनाएं उसी हॉस्पिटल में हो रही हैं जिस हॉस्पिटल में नर्स ड्यूटी कर रही है। हाल ही में एक और घटना आई है कोलकाता से, और वो कोलकाता की घटना वहाँ की एक डॉक्टर होती है, कोलकाता हॉस्पिटल में उसके साथ क्या होता है ये अभी मामला हुआ है। और जस्ट इसी के बाद ये वाला मामला जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये हुआ है। वो जो डॉक्टर है, जो डॉक्टर के साथ हुआ है, महिला डॉक्टर के साथ कोलकाता में, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि 2 वार्ड बॉय जुनैद और मेहनाज ये दोनों के दोनों महिला नर्स को उस कमरे में बंद करके चले जाते हैं, और अब उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ एक नर्स जिसकी उम्र 20 साल है और वो डॉक्टर जुनैद, यही दोनों बंद हैं, सॉरी डॉक्टर शहनवाज, ये दोनों बंद हैं। अब भीतर कमरे में डॉक्टर शहनवाज उस नर्स का मोबाइल छीन लेता है और रख देता है, 20 साल की नर्स को बांध देता है ताकि ये नर्स मदद के लिए ना जा सके या फिर यहाँ इस रूम से भाग ना सके। हालांकि बाहर से तो कमरा लॉक है, पर वो चिल्ला ना सके या फिर कुछ ऐसा ना कर सके। ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, ज़्यादा क्लियर से बताया भी नहीं गया है किसी आर्टिकल में, लेकिन हाँ ये है कि उसे कमरे में बांधा गया। और उसके बाद फिर शहनवाज वो काम करना शुरू कर देता है जो कि आजकल बहुत सारे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रात 12 बजे से थोड़ा मोड़ा इधर ही कमरे में बंद किया गया था नर्स को, और नर्स पूरी रात उस कमरे में ही रही, और जो डॉक्टर है शहनवाज वो उसके साथ वो सब करता रहा पूरी रात। सुबह होता है, नर्स की ड्यूटी ख़त्म होती है और नर्स को छोड़ा जाता है शहनवाज के द्वारा कि अब तुम जा सकते हो अपने घर। बड़ा एक गजब सी बात है कि घर वाले सोच रहे हैं कि बच्ची जो हमारी है वो हॉस्पिटल गई है, हॉस्पिटल में क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी होती है, तो हॉस्पिटल में बच्ची को तो कुछ होने वाला है नहीं, बच्ची नर्स है, सबकी सेवा कर रही है। और यहाँ उसी रात को जब ये सोच करके घर वाले चैन से सो रहे हैं, वही पूरी रात बच्चे के ऊपर कैसे गुजरी ये आप लोगों ने अभी देखा। खैर, नर्स को यहाँ पर छोड़ा जाता है शहनवाज के द्वारा कि अब तुम जा सकती हो अपने घर, बाकी वो बोला ही होगा कि बताना मत ये वो वगैरह वगैरह। और अब जो होती है लड़की वो अपने घर पर पहुंचती है, और घर जाने के बाद वो सब कुछ बताती है कि मेरे साथ क्या क्या आज हुआ है। 20 साल की नर्स घर पहुंची और सब कुछ बताया कि मेरे साथ शहनवाज डॉक्टर ने क्या किया है, और उसकी जो मदद करने वाले वार्ड बॉय थे उन्होंने मदद किया है, किस प्रकार से क्या हुआ है सब कुछ डिटेल में घर पे बताती है। और उसके बाद अब घर वालों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि घर वाले करें तो करें क्या, और वाकई में किसी को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं क्योंकि ही क्या कहूँ, आप समझ सकते हो, फील कर सकते हो। खैर,
खैर मामला और आगे बढ़ता है, घर वालों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या करें, लेकिन घर के जो पिता होते हैं, जो नर्स के पिता होते हैं, वो एक बड़ा कदम उठाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते होंगे इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं केस को स्टडी करता हूं, कि लोग बताते तक नहीं हैं, पुलिस स्टेशन में भी नहीं जाते, मामले दब जाते हैं। लेकिन यहां पर आई रिस्पेक्ट कि उसके पिताजी गए उसमें पुलिस स्टेशन में, कंप्लेन लिखवाई, वहाँ पे सब कुछ बोले, और उसके बाद डॉक्टर जो है शहनवाज समेत जुनैद और एक और था वार्ड बॉय, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर सरकार ने भी इन लोगों पर कुछ एक्शंस लिए हैं। जैसे जो डॉक्टर है शहनवाज, उसके पिता तीन मदरसा चला रहे थे, तीनों मदरसा को सरकार ने फिलहाल के लिए सील कर दिया है। रीज़न जो निकल के आ रहा है ये है कि दो मदरसा सरकारी भूमि पर बनाए हुए हैं और एक मदरसा में कुछ और भी दिक्कत है, यानी तीनों के तीनों मदरसाज को सील कर दिया गया है। जनता मांग कर रही है, जो मांग करती है हमेशा करती है, और जनता की मांगें पूरी ज़्यादातर नहीं होती हैं, क्योंकि जनता कहती है कि अगर ऐसा किसी ने किया है तो उसे दुनिया से मिटा देना चाहिए, और मेरा भी मानना यही है। खैर यहाँ पर दो मदरसाज को सॉरी तीन मदरसाज को सीज़ कर दिए गए हैं, और सरकार अभी भी बड़े स्टेप्स ले सकती है, जनता बोल रही है। और देखिए ये जितना भी मामला मैंने बताया, क्योंकि ये न्यूज़ आर्टिकल्स मामला दे रहे हैं, और कभी भी किसी भी केस में ऐसा नहीं होता है कि जो मामला निकल के आता है वो एक्यूरेट जैसा मैंने बताया वैसा ही हुआ हो, कि इतना टाइमिंग बताया तो इतना टाइमिंग। हाँ कुछ इसमें बातें चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत कुछ कहते हैं, हालांकि जो भी मैंने ये बताया है आपको बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद ही बताया है, तो कुछ थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है। हालांकि ओवरऑल आज जो केस है वो बहुत दुख पहुंचाने वाला है। जो हमारी नर्सेज होती हैं वो बेचारी रात में जाती हैं, सेवा करती हैं, डॉक्टर तो दवा दे के चला जाता है, बाकी सब कुछ नर्स ही करती हैं, और नर्स डॉक्टर कोलकाता वाली ये सब सेफ ही नहीं हैं, जब हॉस्पिटल में लोग सेफ नहीं हैं तो फिर कहाँ सेफ हो सकते हैं। खैर मैं फिर से एक इसी वीडियो में प्रश्न पूछने वाला हूँ कि आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से ये सब जो हो रहा है वो रुके। आप बताइए, जनता मांग कर रही है, और जितना जनता मांग कर रही है उतना ही केसेस आते जा रहे हैं, बहुत क्या बताऊँ। चलिए मिलते हैं, और हाँ सब्सक्राइब दिस चैनल।